प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये एबीसी ट्रायंगल है, वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यानी कि बीसी साइड का लंबाई ए हुआ। वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, यानी कि एसी का लेंथ बी हुआ। और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से, यानी कि एबी का लेंथ सी हुआ। ये स्टैंडर्ड नोटेशन। टोटल सिक्स एलिमेंट्स हुआ। सर तो वो दोनों में टोटल सिक्स एलिमेंट्स, अब किसके बारे में करेगा? थ्री एंगल्स ए बी सी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ए सिक्स एलिमेंट्स के बीच में आप डिफरेंट रिलेशंस पढ़िए, समझ गए? ठीक है, तो आपको पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो 180 डिग्री, यानी कि इसको आप पाई भी लिखते हैं, ठीक है, रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है। एंगल का कोई भी एंगल जो होगा, एक पर्टिकुलर एंगल तीनों में से, वो जीरो से बड़ा और एक पर्टिकुलर एंगल 180 से छोटा, ठीक है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल आपका जीरो से बड़ा या फिर 180, ना कोई एंगल जीरो होगा। अगर एंगल जीरो से ये एंगल भी जीरो हो गया तो दोनों साइड को साइड कर जाएगा, एंगल ही नहीं रह जाएगा, समझ गए? 180 हुआ तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर एंगल जो है वो जीरो से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, क्लियर? अब एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों एंगल 90 से छोटा ही होगा, नहीं होगा? Yes, और एक और एंगल 90 हो गया तो दो ही एंगल मिलकर के 180 हो जाएगा, समझ गए? तो एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है? Yes. ठीक है, और एक एंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 90 डिग्री से बड़ा एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया तो बाकी दोनों एंगल छोटा ही होगा, 90 से नहीं होगा? Yes, एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया तो वैसा ट्रायंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी में बोले आते जी तो अधिक को त्रिभुज, ठीक है, कुछ कुछ कहता, ठीक है। और हर एक एंगल अगर 90 से छोटा रहा, 90 से छोटा एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है, तो एक्यूट एंगल द ट्रायंगल, ठीक है, न्यून कोण बेसिकली, ठीक है। तो देखिए, अगर इसमें ट्रायंगल में कुछ कुछ प्रॉब्लम, जस्ट हम याद दिला दे रहे हैं, ये सब चीज आप लोग को आना चाहिए, फिर भी जो जो अभी मेरे तत्काल मेरे दिमाग में आ रहा वो हम बोल देते हैं, ठीक है, और बीच बीच में जहाँ जरूरत होगा वहाँ भी बोल देंगे जब वो चीज याद आ गई, क्लियर? ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो साइड, अब देखिए ट्रायंगल में क्या होता है कि साइड अगर इक्वल है, जैसे इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है ना, हर एक साइड के अपोजिट एंगल, यानी कि वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स का अपोजिट एक साइड, तो अगर दो साइड बराबर हुआ, मान लो ये और ये साइड बराबर हुआ तो इसके अपोजिट का एंगल भी बराबर होगा, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। अगर हिंदी में बोले समान साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं, एंगल को कोण बोलते हैं, तो समान भुजा के सामने का कोण समान होगा और समान कोण के सामने का भुजा बराबर होगा, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो या फिर दो एंगल, दो साइड बराबर हुआ तो उसके अपोजिट दो एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो कोई ट्रायंगल को आइसोसेलेस साबित करना है, समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, दो बराबर भुजा वाला, ठीक है। तो किसी आपको ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित करना हो तो कोई दो एंगल बराबर दिखा दीजिए या फिर कोई दो साइड बराबर दिखा दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसका सारा साइड बराबर हो तो सारा एंगल भी बराबर हो, ठीक है। तो हर एक एंगल क्या हो जाएगा 180 का तैयारी, अरे सारा एंगल बराबर हो जाए, ये और ये, इसको भी ये कर दो, इसको भी ये कर दो, 3 बराबर 180, तो ये बराबर 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो है 60 डिग्री, क्लियर? यस, ठीक है, समझ गए?
ठीक है, है? तो याद नहीं रखिएगा, ठीक है। तो अगर साइड ए और साइड बी बराबर है तो साइड ए का अपोजिट एंगल ये है एंगल बी ए सी, जिसको शॉर्ट में अगर आप एंगल लिखते हैं जैसे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, तो ऐसे करके लिखते हो, ये जो पॉइंट बीच का है इसी पॉइंट पर, यही पर कॉर्नर बनता है, इसी पॉइंट पर एंगल होता है, तो शॉर्ट इसको क्यू भी लिख देते हैं। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो इस पॉइंट पर कॉर्नर होना है ना, इसी पॉइंट पर एंगल बनता है, इसको सिर्फ इन शॉर्ट ये एंगल बी लिख देते हैं, क्लियर, ठीक है। इसीलिए वैसा लिखा हुआ है, तीन एंगल ए बी सी और तीन साइड, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें सर्कल का ये आएगा, प्रश्न बता दो, पहला चैप्टर पढ़ा था सर्कल के बारे में, कुछ कुछ हम आपको बताए थे। जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, इसका ये कॉर्ड है, ठीक है, तो ये कॉर्ड से सर्कल दो टुकड़ा में बट गया, इसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है, कोई भी कर लो, उस पर कोई दो पॉइंट लीजिए और उसको ज्वाइन कर दिए, तो उस कर्व का वो एक कॉर्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी कॉर्ड, अगर ये लंबाई लेते हो, ये लेते, ये आर्क हुआ, आर्क पी क्यू, जिसको हिंदी में चाप बोलते हैं, कॉर्ड पी क्यू हिंदी में जीवा बोलते हैं, ज्यादा हिंदी में बोलवाएंगे तो तुम मैथमेटिक्स से बोल जाएंगे, ठीक है। और ये सर्किल का सेंटर लेट इट बी हो, ये कॉर्ड हुआ, इसी कॉर्ड को ऊपर खिसकाते जाइए, तो ये PQ जब सेंटर से पास करेगा तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा, सबसे बड़ा कॉर्ड, व्हिच इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। और ऊपर जाइए फिर छोटा होना शुरू हो जाएगा, होते होते ठेलते 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 इसको ले आइएगा, तो ये कभी जो कॉर्ड था वो टेंजेंट बन जाएगा, स्पर्श रेखा छू करके चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सर्कल से आप सेंटर से जो रेडियल लाइन खींचोगे, सेंटर से बाउंड्री तक का दूरी जो है सर्कल का रेडियस कहलाता है, यहाँ से लाइन खींचे यहाँ तक मिला, ये दूरी रेडियस हुआ, ठीक है। तो ये जो रेडियल लाइन है इसको खींचो ऐसे करके, ये लाइन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, रेडियस जो है, रेडियल लाइन जो है वो किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर भी होता है और उसको दो बराबर भाग में बांटता है, क्लियर, ठीक है। देखो सुन करके सीखेगा, याद करते चले जाओ, छोटा छोटा चीज वही, जब आपको सवाल बनाते समय ध्यान नहीं आता या नहीं आता तो आप वही रुक जाते हैं, और कुछ पर्टिकुलर सवाल 200 500 हजार सवाल आप बना करके कंप्लीट नहीं कीजिए, समझे, वो तो एक सवाल का जवाब है ना, नहीं है। आप अपने सिर्फ रिलेशंस वगैरह सब में, अब जो है मोदी जी पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखते, तब तो मोदी जी है पीएम, हम आप नहीं है, अपने में ही सिमटे हुए वो बड़े, नहीं समझे, तो पूरा करते हैं। तो जब तक आप अपना रेंज नहीं बढ़ाइएगा, क्योंकि इसमें वो 120 प्रॉब्लम्स में कौन सा प्रॉब्लम वो उठाएगा, समझे, अगर प्रॉब्लम के पीछे भागेंगे तो किसी को पता है किसी में से आएगा, समझ रहे मेरी बात। तो सवाल का क्वालिटी जो टाइप पहचानना, और एक्चुअली मैथमेटिक्स अगर आएगा तो सवाल बनेगा, सवाल बनाइएगा हजारों हजार बनाना पड़ेगा, तो रट्टा मारना पड़ेगा, वो हर रोज 200 400 500 सवाल आप ध्यान कीजिए, उसके बाद ही हो, समझ गए। और किसी पर्टिकुलर आप 2018 19 16 17 का निम्सेट का 10 साल का क्वेश्चन लेकर के आप उसका सॉल्व कर लिए सॉल्यूशन, या कोई बता ही दिया, या गूगल से आप ले लिए, कहीं से भी ले लिया, तो उससे क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए बायनोमियल थ्योरम का ही कोई सवाल है, हम उसको सॉल्व कर लिए, बता दिए कि ऐसे होगा ऐसे होगा, उस सवाल का जवाब आपको आप समझेंगे, जब तक आपको बायनोमियल आता नहीं है तो ऐसा ऐसा अनगिनत सवाल अंत ही नहीं है, किसी भी चक्कर में सवाल का अंत ही नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। अब जो आप पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी, दूसरा जो है बस हो गया, उसके आगे नहीं है, अरे आर डी शर्मा में जो दिया हुआ उसके आगे सवाल नहीं है, तब तो एक ही किताब में पढ़ता लोग, एक ही किताब दिखता, समझे, सवाल का अंत ही नहीं है। एक आप पैटर्न तक कर लेते हो, कितना इसमें पैटर्न है सब तरह का, ये हम अच्छे से जानते हैं, समझ अच्छी हो गई, मैथमेटिक्स आ गया तो बनेगा, कैसा भी सवाल सामने आएगा, नहीं तो वही सवाल बनेगा जिसको आप बार बार बनाए हैं, उससे हट करके एक भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कॉर्ड से सर्कल दो टुकड़ा में बट गया, इसको सेगमेंट बोलते हैं, और सेक्टर में बताए थे, जैसे यहाँ से रेडियस ऐसे ड्रॉ करें, इसको काट के निकाल लें, ये सेक्टर हो गया, ये छोटा वाला सेक्टर
और ये जो बच गया ये बड़ा वाला सेक्टर। फिलहाल हम सेगमेंट की बात करें, कॉर्ड से सेगमेंट मिलेगा, ये बड़ा वाला सेगमेंट, ये बड़ा वाला सेगमेंट और ये छोटा वाला सेगमेंट, ठीक है। ठीक, अब किसी एक ही सेगमेंट में कोई दो पॉइंट ले, जैसे इसी सेगमेंट में या यही सेगमेंट ले, कोई एक सेगमेंट ले है, और उसमें बाउंड्री पर कोई दो पॉइंट लेते हैं या पहले एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर ये कॉर्ड जो एंगल बनाएगा वो कैसे मेजर करेंगे, इसका दोनों छोर को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है, मिला दिए। ये जो एंगल यहां पर बनता हुआ दिख रहा है ये कौन बनाया, ये कॉर्ड पीक्यू बनाया, कहां पर बनाया, इस पॉइंट पर, ठीक। मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक, इसी बॉन्ड इसी सेगमेंट में कोई दूसरा पॉइंट लीजिए और इस पॉइंट पर ये कॉर्ड जो एंगल बनाएगा तो क्या करेंगे, इस कॉर्ड का दोनों छोर को उससे जोड़ देंगे, क्लियर। ये जो एंगल है वो कौन बनाया, यही कॉर्ड बनाया, लेकिन कहां पर बनाया, इस पॉइंट पर बनाया, ठीक है। ये दोनों एक ही सेगमेंट का एंगल है, तो प्रॉपर्टी से एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्लियर, ठीक है। अब इस सेगमेंट पर कोई दो पॉइंट यहां पर लिए तो ये कॉर्ड जो एंगल बनाया वो ये हुआ, क्लियर। ये जितना होगा इसी सेगमेंट पर कोई दूसरा पॉइंट लो, वहां पर जो ये कॉर्ड एंगल बनाएगा ये एंगल हुआ, ये एंगल बराबर, तीसरा पॉइंट लो वहां पर भी उतने कॉर्ड वही रहेंगे, क्लियर। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्लियर है। दरवाजा खोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये एक कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ठीक है, ठीक है, वो सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब ये कॉर्ड सेंटर पर इस पॉइंट पर, मान लो ये सेंटर ओ है, तो ये कॉर्ड इस पॉइंट पर है ना, कितना बड़ा एंगल बना रहा है, तो इस कॉर्ड का दोनों छोर को यहां से जोड़ेंगे। अभी दिखाया ना, कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन का टुकड़ा किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा वो कैसे मेजर करेंगे, उस लाइन का दोनों छोर को, दोनों एंड पॉइंट को उस पॉइंट से जोड़ देंगे, तब ये जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है ये एंगल कौन बनाया, ये लाइन सेगमेंट बनाया, कहां बनाया, इस पॉइंट पर बनाया, क्लियर, ठीक है। तो उसी तरह से ये लाइन सेगमेंट जो कि सर्किल का कॉर्ड है, इस पॉइंट पर जो कि सर्किल का सेंटर है, कितना बड़ा एंगल बना रहा है, ये जानने के लिए आप इसका दोनों छोर को यहां से ज्वाइन कर दीजिए, समझे। ये एंगल कौन बनाया, एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड, कहां पर, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, ठीक है। और इतना ही बड़ा एक और कॉर्ड लीजिए, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा एक और, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, अब ये कॉर्ड जो एंगल बनाएगा तो इसका दोनों छोर को यहां से जोड़िए, ठीक है, ये एंगल भी उतना ही होगा जितना ये है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। अगर कॉर्ड का लंबाई में फर्क कर दीजिएगा तो एंगल छोटा बड़ा होगा, समझे। हो गया, देखिए सर्कल का ये कॉर्ड है, ठीक है, बाउंड्री पर कोई पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लिए, इस पॉइंट पर ये कॉर्ड जो एंगल बना रहा है वो एंगल ये वाला होगा, ठीक है, होगा ये एंगल, हाँ, ये एंगल कौन बना, ये कॉर्ड बना है, कहां पर, सर्किल के बाउंड्री पर, इस पॉइंट पर, ठीक है।
इस कॉर्ड को धीरे धीरे इसके पैरेलल आप खिसकाते जाइए। अब ये कॉर्ड जो एंगल बनाएगा वो एंगल ये वाला होगा, होगा ये एंगल पहले वाले एंगल से बड़ा है, बोलिए ना, दिखाई दे रहा बड़ा है, दिखाई दे रहा बड़ा है, किस एंगल से? पहले कॉर्ड यहां था तो ये एंगल था, अब ये ऊपर कर दिए, ये एंगल बढ़ा, और इसको इसको बढ़ाते बढ़ाते इसके पर इसको डायमीटर बना दोगे, ठीक है, तब ये डायमीटर जो बना जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता, कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल आधा सर्कल, डायमीटर से सर्किल दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा ना जी, yes, ठीक है, वही वो सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब तक ये डायमीटर नहीं बना था तब तक ये एंगल जो आ रहा था वो 90 से छोटा रहा था, ऊपर करते गए करते करते डायमीटर बना दिया तो 90 हुआ, मतलब उससे पहले जब ये स्थिति थी, जब ये थी तो 90 से छोटा एंगल यहां पर बन रहा था, yes, समझ गए। अब और इसको इधर ऊपर कर दो तो फिर ये एंगल क्या होगा, 90 से भी बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूस डायमीटर बना दोगे तो राइट एंगल, आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो थोड़ा चलिए वहां गेट के पास चलिए, ठीक है, 90 डिग्री ऊपर कर दिए, 90 से बड़ा यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह से और आगे कीजिएगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते है ना, बढ़ते 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 जब ये डायमीटर यहाँ आए, ये कॉर्ड ऐसे टेंजेंट बन जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, बोलिए, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। उससे पहले डायमीटर और टेंजेंट बनने से पहले तक क्या हो रहा था, 90 या फिर 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल, उससे पहले एक्यूट, क्लियर, ठीक, सर्कम सेंटर, सेंटर पॉइंट हुआ, ठीक है, सर्कम सेंटर किसको कहते हैं, किसी ट्रायंगल का, है ना, परिभाषा ये है, द पॉइंट एट विच The point at which perpendicular bisectors of the sides of a triangle meet is called, हिंदी में बताते हैं इसका, ठीक है, देखिए परिभाषा क्या कहता है, द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर मींस बाइसेक्ट करने वाला, दो बराबर भाग में बांटने वाला, ठीक है, द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर, ठीक है, ठीक है, तो क्या कहता है, हर एक साइड का, ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए,
ठीक है, वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जाकर के एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट सर्कमसेंटर कहलाता है, ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन जो इस साइड पर परपेंडिकुलर भी हो और इसको दो बराबर भाग में बांटता भी हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ठीक है। दूसरी ये लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर भी है बीसी पर और इसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। दूसरा इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये है, ठीक है, और तीसरे साइड का जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो डेफिनेटली इधर या इधर से नहीं गुजरेगा, वो भी इसी पॉइंट से होकर के गुजरेगा, ये ठीक है। कंकरेंट लाइंस बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस एक बिंदु का भी, एक बिंदु से होकर के जाने वाला लाइंस कंकरेंट लाइन, समझ गए। ये तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है वो कंकरेंट होता है, क्लियर। तो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये इसी पॉइंट से होकर के गुजरेगा एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, समझ गए। ट्रायंगल एबीसी का ये पॉइंट सर्कमसेंटर कहलाएगा। अब इसको सेंटर लेकर के आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर के गुजरेगा और एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, सर्किल में भी सर्कम लगा, ठीक है। इस पॉइंट को सेंटर लेकर के आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो कि सर्किल के बाउंड्री से होकर के, है ना, सत्य ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर के गुजर, मतलब तीनों वर्टेक्स को टच करके चला जाएगा, समझ गया। तो तीनों साइड सर्किल का क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है, और सेंटर से बाउंड्री तक का दूरी क्या होता है, रेडियस। तो तीनों वर्टेक्स जो है सर्किल के बाउंड्री पर पड़ गया, ठीक है, ये पॉइंट सर्कम सेंटर है, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स जो है वो सर्किल के बाउंड्री पर है, तो सेंटर से वर्टेक्स तक का दूरी ये क्या कहलाएगा, इस सर्किल का रेडियस, क्योंकि ये सर्किल को सर्कम सर्किल बोले, सेंटर को सर्कम सेंटर बोले, तो रेडियस में भी सर्कम लगा दो, इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, स्टैंडर्ड नोटेशन है, समझ गए, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये भी अगर वो सर्कम सेंटर है तो OA, OB, OC ये हो गया, ठीक है। परिभाषा तुरंत याद कर लेना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का दूरी सर्कम रेडियस कहलाएगा, जिसको कि कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो तीन तरह का ट्रायंगल आपके सामने आएगा, है ना, एक वो जिसका हर एक एंगल 90 से छोटा है, ठीक है, 90 से छोटा एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक, ट्रायंगल बोले तो तीन ही तरह का ट्रायंगल आएगा, ठीक है। और तीनों एंगल अगर डिफरेंट है उसमें, ठीक है, तो तीनों साइड भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि साइड दो साइड समान तो उसके सामने का एंगल भी समान, एंगल डिफरेंट तो साइड डिफरेंट, साइड डिफरेंट तो सारा एंगल भी डिफरेंट, समझ गए। तो सारा साइड डिफरेंट हो, एंगल का तो चर्चा कर लिए, अगर तीनों एंगल 90 से छोटा होता है क्यूट एंगल ट्रायंगल, समझ गया। और इसको तीनों एंगल अगर 90 से छोटा है तो क्यूट एंगल हुआ ही, अगर वो सारा एंगल डिफरेंट है तो सारा साइड भी डिफरेंट हो जाएगा, इसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, दो एंगल बराबर हो जाएगा, दो साइड बराबर हो जाएगा, ये पर्टिकुलर केस है। हम लोग एंगल का बात करें, एक होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल 90 से छोटा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 तो बाकी दो एंगल 90 से छोटा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, और एक एंगल 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस तो बाकी दो एंगल 90 से छोटा ही होगा, इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो तीन ही तरह का ट्रायंगल होगा,
जो भी रूल एस्टैब्लिश करेंगे, पहले ही लिख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल में तीन एलिमेंट हुआ, छह एलिमेंट हुआ, तीन साइड और तीन एंगल, यही छह के बीच में डिफरेंट रिलेशन आपको आएगा, समझ गए। तो जो भी रिलेशन आएगा वो हर तरह के ट्रायंगल में सूट करेगा, हर तरह के ट्रायंगल के लिए वो सुटेबल है, समझे। वो रिलेशन हर तरह के ट्रायंगल में, चाहे वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, क्लियर। हम पहले लिख रहे हैं, उसमें हम तीनों तरह का ट्रायंगल ले रहे हैं, बाद में हमको ये खेलेंगे, ठीक है। और आपको ये मान के चलना होगा कि सारा रिलेशन ट्रायंगल चाहे कोई भी हो सब में सूट करे, क्लियर। यस सर। तो सबसे पहले आता है साइन रूल, ठीक है। ये क्या कहता है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये साइड ए हुआ यानी कि बी सी, ये साइड बी हुआ यानी कि ए सी, ये सी हुआ, ठीक है। ये रूल कहता है ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, ठीक है, ये ए बी सी कैसा भी ट्रायंगल हो, क्या कहता है, इस ट्रायंगल का कोई साइड लीजिए, जैसे साइड ए लिया यानी कि बी सी लिए, ठीक है, हर एक साइड का अपोजिट एक एंगल होता है, तो कोई साइड ले और उसके अपोजिट एंगल का साइन ले, साइन ये लिए तो इसके अपोजिट ये एंगल है, इसका साइन यानी कि साइन ए का रेशियो, फिर कोई साइड ले, साइड बी लिए तो इसके अपोजिट एंगल बी है, उसका साइन का रेशियो, ठीक है। साइड सी, ये तीनों ही रेशियो, अब ए बाई साइन ए निकालोगे तो ये आएगा, समझे, एक सर्कल अगर खींचते है ना, ये तीनों साइड जो है, ये तीनों वर्टेक्स जो है एनआर होगा, ठीक है। ट्रायंगल का साइड, साइड चाहे जो हो, किसी भी ट्रायंगल का साइड लो और उसके अपोजिट ट्रायंगल का साइन का रेशियो निकालो, समझे। तो उस ट्रायंगल का वो जो है ना, जो सर्कम सर्किल होगा उसके रेडियस के बराबर होगा, ठीक है, ये भी आर के बराबर आएगा और ये भी आर के बराबर आएगा। सो ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी के बराबर हुआ, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तीनों आपस में बराबर है, एंड ईच रेशियो इज सॉरी 2r के बराबर, ठीक है, डायमीटर 2r के बराबर होगा हर एक रेशियो। तो ट्रायंगल का कोई साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो, ठीक है। अब यहां पर तो ये सर, अगर हम मान लो ट्रायंगल PQR है तो तुम लिखना QR, ये P है, ये Q है, ये R है, QR ये एंगल दिया हुआ मान लो 30 degree, तो QR by sin 30 degree, तो कोई साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो, तीन साइड है, तीन एंगल है, तो हर एक साइड का उसके अपोजिट जो एंगल है उसका साइन का रेशियो लेना, क्लियर। ए बाय साइन ए नहीं कि ए ले लिए बाय साइन भी कर देंगे ऐसा नहीं, ठीक है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, ईच रेशियो इज 2r वेयर r इज द सर्कम रेडियस, समझ गए। काल पर ध्यान रखिए, ये हम एस्टैब्लिश करेंगे कि ये आता कैसे है, ठीक है। लेकिन उससे पहले a by sin a ये भी 2r के बराबर है, b by sin b ये भी 2r के बराबर, c by sin c ये भी 2r के बराबर, ये जो फार्मूला है ये साइड से एंगल में और एंगल से साइड में जाने का सबसे आसान तरीका है, बड़ा काम आता है। अब a by sin a के बराबर लिखोगे, a by sin a बराबर 2r, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2r sin a, बोलिए। तो अगर साइड कहीं पर लिखा हुआ सवाल में तो चाहे आपको एंगल में चाहिए इसके जगह पर ये लिख दीजिए, ठीक है, और अगर एंगल लिखा हुआ है साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई टू आर, तो एंगल से साइड में, साइड से एंगल में जाने का ये सबसे क्लियर। बी बराबर क्या हो जाएगा, 2r साइन बी, समझ में आ रहा है, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई टू आर होगा, बोलिए। C बराबर क्या हो जाएगा, 2R sin C, sin C बराबर C by 2R, ठीक है। तो एंगल से साइड में, साइड से एंगल में जाने का सबसे ये आसान तरीका। तो ये चूंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी किताब समय देखिए इसको K लिख देता है, 2R 2R कौन लिख रहा है, K बराबर K sin A, K sin B है ना, वो अंडरस्टूड है कि जो K दिखाई दे रहा है वो 2R हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखा चक्कर छोड़िए, जो आ रही रहने में कहीं भूल गए तो आप ये है क्या, समझ गए। अब हम ये बताते हैं कि रिलेशन आएगा कैसे,
गया। तीन तरह का ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और आप तीन सर्किल बनाए। ठीक है, ये सर्कम सेंटर आएगा, डायरेक्ट ट्रायंगल इसके अंदर खींचेंगे, सर्कम स्क्वायर सर्कल है। अब जरा बताइए, ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ ऊपर है, ये सर्कम सेंटर हुआ, ठीक है। अब ये कॉर्ड देखिए, ये कॉर्ड हुआ, ठीक है। यहां से अगर पास करेगा तो ये कॉर्ड जो है बीसी डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो एंगल है इस कॉर्ड का दोनों एंड पॉइंट यहाँ से जुटा हुआ है। ये एंगल कौन बनाया? ये कॉर्ड बनाया। कहां पर बनाया? इस पॉइंट पर बनाया। ये एंगल क्या होगा? ए क्या होगा? 90 से छोटा। बोलिए, हम तुरंत पता है, समझे? अब इसी कॉर्ड को खिसकाएंगे, डायमीटर बना देंगे, ये पर लंबे होगा और ऊपर कर देंगे। अभी ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब ए इज एक्यूट, ठीक है। इसलिए ये ट्रायंगल एक्यूट है। आप कहोगे कि सिर्फ ए को लिखा है एक्यूट, बाकी का अरे हम इसी का नाम बी दे देंगे तो क्या करोगे? अब ये मिटा करके इसको बी कर देंगे, इसको ए कर देंगे, तो यहाँ पर ए को भी बी करेंगे, बी इज एक्यूट। अरे कोई एक ही तो फिगर बनाएगा, तीन तो थोड़े बनाएंगे, समझे? उसी तरह से ये बीसी है, ये यहीं पर है, ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ, और इसको और ओपन कर दो, बोलिए, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ ये, ठीक है। ये साइन रूल जो है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, इच रेशियो इज 2r, ये तीनों तरह के ट्रायंगल में एक्यूट हो, ऑब्टूस हो, ये हर एक तरह के ट्रायंगल में ये सूट करेगा, समझ गए? तो होल्ड करेगा, और ये आता कैसे है वही है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये ओ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? सरकम सेंटर, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। कोई एक वर्टेक्स लीजिए और उसको सर्कम सेंटर से मिला करके एक्सटेंड कीजिए, कोई एक वर्टेक्स लीजिए, ठीक है। ए बी सी तीन वर्टेक्स है, किसी एक वर्टेक्स को चूज कीजिए, ठीक है। उसको सर्कम सेंटर ओ से मिला करके एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड करिए जब तक कि सर्कल किसी पार्ट पर कट नहीं जाए, समझ गए? क्या बोले? ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स में से किसी वर्टेक्स, समझते हैं? तीनों वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कीजिए, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसको सर्कम सेंटर से मिलाते हुए एक्सटेंड मतलब बढ़ा दीजिए, ठीक है, और सर्कल को कटने दीजिए, ठीक है। जैसे हम बी को सेलेक्ट किए, बी को ओ से मिलाए और आगे बढ़ा दिए,
घटनागिर सर्किल को जिस पॉइंट पर ये सर्किल को काटा उसका नाम दे दीजिए डी और फिर सी और डी को मिला दीजिए। यही काम सब ने करे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बी और ओ को मिलाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, सर्किल को कटने देते हैं। जिस पॉइंट पर सर्किल कटा उस पॉइंट का नाम देंगे डी। याद हुआ, बी और ओ को मिलाए, उसको आगे बढ़ाए, जिस पॉइंट पर सर्किल को काटेगा उस पॉइंट का नाम देंगे डी, बी, ठीक है। फिर सी और डी को मिला देते हैं, क्लियर। याद है कि बी और ओ को मिलाए, पहले से मिला हुआ, एक बार और पेन उसी पर चला देंगे और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जहां पर कटेगा उस पॉइंट का नाम देंगे डी। ये पहले से दिया हुआ है सी, यही पॉइंट हो जाएगा डी, मतलब सी एंड डी आर कोइंसिडेंट। जो सी है वही डी है, जो डी है वही सी है। जब जरूरत होगा तो डी की जगह पर सी लिख देंगे, सी की जगह पर डी लिख देंगे, क्लियर। समझे, समझेंगे नहीं समझे, इसमें आइए। बी और ओ को मिलाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर ओ था, डी, सी और डी को मिला लेंगे। इसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ा, पहले से मिला हुआ था, क्लियर। समझ गए। अब देखिए, ये बी सी सर्किल का एक कॉर्ड है, इससे दो सेगमेंट बना, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट। जरा गौर से देखिए, बता दिए थे ये दोनों एंगल बराबर होगा, एंगल्स इज द सेम सेगमेंट। बोलिए, पहले हम बाउंड्री मार चुके हैं, अब आपको नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे। ये जो आएगा, जो यूज होता, वो पहले हम बता चुके हैं आपको, समझ गए। और उसके तुरंत बाद ये कर रहे हैं, ये दोनों एंगल बराबर होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी को ए लिखते हैं और एंगल बी डी सी को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। डी पर एंगल, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। ये बी सी कॉर्ड हुआ, कॉर्ड से सर्किल दो टुकड़ा में बन जाता है। अब ये कॉर्ड का दोनों छोर यहाँ से जुटा हुआ है, ये एंगल कौन बनाए, ये बनाए, कहाँ पर, इस पॉइंट में। इसी कॉर्ड का दोनों छोर यहाँ से भी जुटा हुआ है, ये एंगल भी यही बनाया और ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट का। और ऐसा बुजुर्ग कह गए ये दोनों एंगल बराबर है, तो हम लोग को मानने में क्या जाता है, समझ गए, ठीक है। अब देखिए, ये बी डी क्या है, डायमीटर है, दोनों छोर यहाँ से जुटा हुआ, ये एंगल 90 डिग्री होगा, होगा होगा ना जी, एंगल इन द सेम ही सर्कल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ बीडीसी, हुआ कि नहीं। और ये BC को यहाँ नहीं लिख रहे ट्रायंगल ABC में, जो पहले लिख चुके हैं स्टैंडर्ड नोटेशन, ABC में साइड BC स्मॉल a होगा, है ना, ये B होगा और ये C होगा, क्लियर, ठीक है, होगा। तो देखिए, इस एंगल के लिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, देखो ऐसे बचपन से ऐसा देखते हैं सब लोग, बोलिए, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब ये लाइन इस पर, तो ये लाइन किस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, हां, यस सर, है ना जी, अरे ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसके पैरेलल थोड़ी ना, ठीक है। तो अगर ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, बचा ये दो, अगर ये एंगल लेते हो तो जो भी एंगल लोगे तुम, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इनवेरिएंट रहेगा, समझ गए। अगर ये एंगल लेते हो, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और हाइपोटेनस अब भी यही रहेगा, क्लियर, ठीक है। तो ये एंगल लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी डी सी, ये एंगल लेते हैं, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, क्लियर। तो इस एंगल का साइन लेंगे, साइन ऑफ एंगल बी डी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बी डी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, बोलिए, साइड बी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, स्मॉल ए, बी डी क्या है, डायमीटर, आर हुआ रेडियस, बी डी डायमीटर है, रेडियस का दोगुना, ये क्या होगा, टू आर होगा, ए बाई साइन ए बराबर टू आर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस वर्टेक्स का नाम हम ए नहीं दे करके बी दिए रहते, ये साइड आपका बी आ जाता, बोलिए, तो आपको क्या आता है,
एक बी बाय साइड की तरह, इसी तरह से आप अगर इसको सी लिखे रहते इसके अपोजिट ये साइड क्या हो जाता स्मॉल सी होता कि नहीं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। अगर ये चेंज करें इसी तरह से कोई कसम थोड़ी दिया कि इसको ए ही लिखे हम ना लिखे है, आप इसको बी लिखते अगर ये साइड आपका स्मॉल बी आता अगर हम बीसी को ट्रायंगल का साइड समझे ये ए है, इस बीसी की जगह पर ए लिख सकते हैं, बोलिए ये साइड बीसी है ना, ए के अपोजिट है ये, ये होगा ना सर, लेकिन बीसी डायमीटर भी तो है सर, बीसी डायमीटर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। अगर आप कहते हैं कि सर हम बीडी को डायमीटर बोले थे तभी अभी हम बोले सी को आप डी कर देते उसी तरह से अगर बी पर यहाँ पर इस वर्टेक्स को बी लिखे रहते तो बी पर 90 डिग्री होता तो यहाँ पर आपको क्या आता बी बाय साइन बी बराबर टू आर आता, और अगर इस पॉइंट को सी लिखे रहते तो सी बाय साइन सी बराबर टू आर आता, क्लियर ठीक है फिर से यहाँ लिख दीजिए उसमें आइए देखिए
ए बी डी सी ये आप क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है चतुर्भुज, अरे ये लाइन भूल जाइए, ये लाइन भूल जाइए बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज चार हो जाए, चंद्र त्रिभुज तीन हो जाए और चतुर्भुज और एक ही चक्र पर है, एक ही सर्कल पर है, एक ही साइकिल पर है, साइकिल है साइन होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के बाउंड्री पर लाए करे उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजा वाला एक ही चक्र पर, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। और प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रि से चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, पाई होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 180, ये एंगल और ये अपोजिट, ये एडजेसेंट हुआ अगल बगल का, ये वो अपोजिट आमने सामने आपके बगल में, ये एडजेसेंट फिर वो आगे पीछे वो हो जाएगा अपोजिट, समझ गए, जैसे हम आपके अपोजिट है अब वो आपके बगल में है एडजेसेंट हुआ, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ opposite angles is 180 degree, ठीक है। तो देखिए उस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा, इस एंगल को तो हम ए ही लिख रहे हैं, ट्रायंगल का है ना, इस एंगल को हम बी डी सी लिख दे, समझ गया, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि पाई रेडियन में लिखे तो एंगल बी डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस ए होगा। अब यहाँ डायग्राम में देखिए बी डी क्या है, डायमीटर है, बी डी डायमीटर है, बी डी डायमीटर है, इस डायमीटर का दोनों छोर, दोनों छोर जो है सर्किल के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से जुड़ा हुआ, ये 90 डिग्री होगा, एंगल इन द सेम ही सर्किल, समझे, नहीं समझते हैं जो पता है वो याद, ये कि ये भी डायमीटर है, इस डायमीटर का दोनों छोर, छोर तो समझते होइएगा एक्सट्रीम पॉइंट, समझ गए, दोनों एक्सट्रीम जो है वो जुड़ा हुआ सर्किल के इस पॉइंट से, सर्किल के बाउंड्री पर इस पॉइंट से, ये एंगल ना पड़ेगी, क्लियर, उसी तरह से ये डायमीटर है, इसका दोनों एंड पॉइंट जुड़ा हुआ है बाउंड्री पर इस पॉइंट से सी से, इसलिए एंगल 90 डिग्री हुआ, क्लियर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्लियर। इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, सभी तो रत पता है, ठीक है। तो इस एंगल का साइन लीजिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी साइन ऑफ एंगल बीडीसी बराबर परपेंडिकुलर बीसी बाय हाइपोटेनस दैट इज बीडी, ठीक है। और एंगल बी डी सी के स्थान पर क्या लिखिएगा पाई माइनस ए, बोलिए, तो साइन पाई माइनस ए, बी सी को क्या लिखिएगा स्मॉल ए, बी डी क्या है डायमीटर है हुआ, ठीक है, साइन पाई माइनस ए को क्या लिखिएगा साइन ए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ए बाई टू आर, इसमें भी आ गया ए बाई साइन ए बराबर टू आर, समझ गए, तो इस तरह से ये आता है, उसी तरह से आप लिख दीजिए सिमिलरली बी बाई साइन बी बराबर टू आर एंड सी बाय साइन सी बराबर हुआ। तो ट्रायंगल चाहे कैसा हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, समझ गए, हर एक में ये जो है साइन को या फिर और कोई आगे जो फर्दर रूल एस्टैब्लिश करेंगे वो सब सूट करेगा, ठीक है। इस फार्मूला का सबसे बेहतर इस्तेमाल है एंगल से साइड में और साइड से एंगल में जाने का, ठीक है, और कोई ट्रायंगल और सबसे ज्यादा मदद करता है जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तब उस ट्रायंगल का कोई एंगल या फिर साइड का लंबाई निकालने में बड़ा काम आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा कॉस थीटा सब निकल जाता है,
जो राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है उसमें साइन रूल ही चलेगा, ठीक है। ठीक है, इसी ट्रेंगल ए बी सी में अगर ये रिलेशन दिया हो cos a by बराबर cos b by b बराबर cos c by c, तो ये ट्रेंगल ए बी सी कैसा ट्रेंगल होगा, ठीक है। सवाल लिख लिए, अब साइन रूल से क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, डुआर साइन है, बोलिए साइड एंगल है, क्योंकि ये एंगल है इसको साइड में कन्वर्ट करना मुश्किल है, ये साइड था आपके पास उपाय है बड़ा आसानी से एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, बी बराबर क्या हो जाएगा डुआर साइन बी और सी बराबर क्या हो जाएगा टूआर साइन सी, हर एक रेशियो से टूआर आप हटा लीजिए हट जाएगा, हटेगा ना जी, सब में टूआर से गुना कर देंगे हर एक रेशियो में, समझ गए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये क्या हो गया कॉट ए बराबर कॉट बी इक्वल टू कॉट सी, ये तीनों मिल बराबर हो सकता है, ठीक है।